आज की सबसे बड़ी खबर है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम का पेपर लीक होना। सीबीएसई के दो पेपर लीक हो गए हैं, 10वीं क्लास का गणित और 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स पेपर। अब ये दोनों पेपर दोबारा होंगे, लेकिन इस खबर के आते ही दोबारा दोनों पेपर्स कब होंगे इसकी तारीख भी सोशल मीडिया पर आ गई है। लेकिन नई तारीख सच्ची है या झूठी, चलिए पता लगाते हैं। पेपर लीक होने की वजह से सीबीएसई के 28 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। दोबारा परीक्षा देने की बात से नाराज छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी इस दावे के साथ आई है कि सीबीएसई के जो दो पेपर लीक हुए हैं उसकी परीक्षा की नई तारीख भी आ गई है। वायरल हो रही ये चिट्ठी देश के सारे सीबीएसई स्कूल के नाम लिखी गई है। चिट्ठी की पहली लाइन में ही गणित और इकोनॉमिक्स की परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की तरफ इशारा किया गया है। वायरल चिट्ठी में लिखा है, इकोनॉमिक्स का पेपर 24 अप्रैल 2018 मंगलवार को, गणित का पेपर 26 अप्रैल 2018 को। वायरल चिट्ठी में निर्देश के तौर पर लिखा है, 10वीं और 12वीं के सारे छात्रों को नई तारीख के बारे में जानकारी दें, छात्रों के माता पिता को इस बारे में बताएं। तो क्या पेपर लीक होने के कुछ घंटे बाद ही सीबीएसई ने परीक्षा की नई तारीख भी दे दी? और अगर परीक्षा की नई तारीख आ गई है तो इसकी खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों है? पड़ताल के लिए हम सीधे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in पर पहुंचे। यहां रीसेंट अनाउंसमेंट वाले कॉलम में एक नोटिस मिला जिसे 28 मार्च को सीबीएसई ने जारी किया था। इसमें लिखा है, बोर्ड ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कक्षा 12 के इकोनॉमिक्स और कक्षा 10 के गणित विषय की परीक्षा दोबारा लेने का फैसला किया है। दोबारा ये दोनों परीक्षाएं कब होंगी और इससे जुड़ी अन्य जानकारी सीबीएसई एक हफ्ते के भीतर अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। हम लोग बच्चों के हित में काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बता भी देंगे कि एग्जाम के डेट्स क्या हैं, और किसी को बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। इसलिए हमारी पड़ताल में सीबीएसई पेपर लीक के बाद परीक्षा की नई तारीख का दावा झूठा साबित हुआ है। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि ऐसी किसी चिट्ठी या नोटिस को देखकर भ्रम में ना पड़ें और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी के लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in को समय समय पर चेक करते रहें। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।